साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के पावन दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को आदर सहित प्रेम सहित साई राम। आज हम सब यही सोच रहे हैं कि यदि कोविड-19 का ये संकट ना होता तो हम सब लोग अपने बाबा के जन्म दिवस के समारोह में सम्मिलित होने के लिए उटापर्टी पहुंच चुके होते और वहां प्रशांति निलयम की भूमि की पावन धूली को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो जाते। परंतु हम जानते हैं नथिंग हैपन्स विदाउट द डिवाइन विल। इस सबके पीछे भी भगवान का ही दिव्य हाथ है। भगवान हमें कई वर्षों से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लर्न टू राइज अबव अटैचमेंट टू माई बॉडी, माई फिजिकल बॉडी। बाबा सेज, रादर देन गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंटरव्यू यू शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द इनर व्यू। भगवान तो हमेशा हमारे अंतर मन में रहते हैं, इसीलिए उन्हें हृदय निवासी भी कहते हैं। तो फिर बाहर भटककर उन्हें ढूंढने की क्या आवश्यकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण हम अपनी सभी गतिविधियां कर पा रहे हैं। हमने अखंड भजन का आनंद लिया, बाल विकास क्लासेस हो रही हैं, वेदा क्लासेस हो रही हैं, भजन क्लासेस हो रही हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हमें अपने सहकर्मियों के अनुभव सुनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। हम सब कुछ कर पा रहे हैं और इन सभी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण न केवल हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपितु हम अपने भगवान के साथ भी इस प्रकार निरंतर जुड़े रहते हैं। अब बाबा के अगर जन्मदिवस की बात करूं तो मैं आपके साथ भगवान बाबा का अपने ही जन्मदिवस पर दिया गया कुछ वर्षों पहले का एक संदेश शेयर करना चाहूंगी। बाबा कहते हैं, तुम आज के दिन मेरा जन्मदिवस मना रहे हो। जब मैं आ रहा था तो अनेक लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कहकर जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। मैं तो सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। तुम स्वयं सुखी और प्रसन्न रहो। तुम्हारी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। मेरा जीवन सारी मानव जाति के लिए है। मैं तुम्हारे जन्मदिन को ही अपना जन्मदिवस मानता हूँ। जैसे जैसे तुम स्वामी के समीप आते जाओगे वैसे वैसे दिव्यता तुम्हारे अंदर और भी मुखरित होती जाएगी, तब तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। यदि अवतार के संदेश की उपेक्षा की जाए तो अवतार को सम्मान देने का तथा उनका जन्मदिवस मनाने का क्या लाभ। अवतार के संदेश को तुम्हारे दिलों में जन्म लेकर सजीव होना और फैलना चाहिए, तभी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। जब मानव मानव से प्रेम करना सीख जाएगा, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगेगा और स्वयं को दूसरों की सेवा में लगा देगा, तभी तुम यह अनुभव कर पाओगे कि तुमने स्वामी को उनके जन्म दिवस पर उचित उपहार भेंट कर दिया। मैं केवल ऐसे ही उपहार की तुमसे अपेक्षा करता हूँ। आज के दिन भगवान का तुम सबको आशीर्वाद है कि तुम सब की भक्ति अटूट बनी रहे, तुम्हारा जीवन पावन दीर्घ और सुखी हो, तुम्हारी सारी विपदाएं दूर हो जाएं तथा तुम निर्मल आनंद का अनुभव कर सको और अपने आनंद को सबके साथ बांटो। यही भगवान का जन्मदिवस मनाने का सही तरीका है। यह था हमारे भगवान का दिया गया संदेश। अब हमारा उत्तरदायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। हमें अपने भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके संदेश को सब ओर फैलाना है। हमें अपनी भक्ति प्रेम श्रद्धा विश्वास आत्मसमर्पण दया क्षमा आदि सभी कसौटियों पर खरे उतरकर भगवान का एक ऐसा भक्त बनना है जिस पर भगवान भी गर्व कर सकें। जिस प्रकार विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि सत्य साईं बाबा हमारे लिए भगवान हैं, वे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी प्रकार विश्वास के साथ
हमारे भगवान भी हमें अपना भक्त कहकर गर्व का अनुभव कर सकें और प्रसन्न हो सकें। यदि ऐसा हम कर सकें तो वास्तव में हम समझेंगे कि हमने अपने भगवान बाबा के चरणों में उनके जन्म दिवस का एक अमूल्य विनम्र तथा सर्वश्रेष्ठ उपहार भेंट में दे दिया है। साईं राम।